This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. केंद्र और राज्य सरकार के लिए कोरोना वैक्सीन की अलग अलग कीमतों का मुद्दा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग में उठाया था। कई और राज्यों के मुख्यमंत्री लेटर लिखकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इस बीच सेरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद अब भारत बायोटेक की वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के दाम भी तय कर दिए गए हैं। इसमें भी राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग अलग कीमतें रखी गई हैं। इस मेड इन इंडिया वैक्सीन की कीमत सेरम इंस्टीट्यूट की बनाई एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन से भी ज्यादा रखी गई है। 23 अप्रैल यानी शनिवार को भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन के दाम तय कर दिए। इसके मुताबिक राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 600 रूपए, केंद्र सरकार को 150 रूपए और प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रूपए में दी जाएगी। निर्यात करने की कीमत 15 से 20 डॉलर यानी 1124 रूपए से 1498 रूपए तक रखी गई है। इससे पहले सेरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय किए गए थे। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की तुलना करें तो भारत बायोटेक की मेड इन इंडिया वैक्सीन ज्यादा महंगी है। राज्यों के लिए कोविशील्ड की कीमत 400 रूपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोविशील्ड की कीमत 600 रूपए रखी गई है, जबकि कोवैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रूपए में और राज्यों को 600 रूपए में मिलेगी। मतलब राज्यों को मेड इन इंडिया वैक्सीन के लिए कोविशील्ड की कीमत से 200 रूपए ज्यादा और प्राइवेट अस्पतालों को दोगुनी यानी 1200 रूपए भरने होंगे। भारत बायोटेक का कहना है कि सरकार के निर्देशों के अनुसार हमने कोवैक्सीन डोज की कीमतों की घोषणा की है। राज्य सरकार के लिए प्रति डोज 600 रूपए और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रूपए प्रति डोज दिया जाएगा। भारत बायोटेक ने द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार को बताया कि वैक्सीन की कीमत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें एक खास सेफ्टी फीचर है। कंपनी ने कहा, कोवैक्सीन बहुत हद तक प्यूरिफाइड तरीके से बनाई गई है। वैक्सीन को सेफ्टी प्रोफाइल के हिसाब से बेचा जा रहा है। ये भारत बायोटेक का यूनिक सेलिंग पॉइंट है। इससे पहले वैक्सीन के बड़े दाम का बचाव करते हुए सेरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि पहले की कीमत एडवांस फंडिंग पर आधारित थी। अब इसे अधिक शॉट्स बनाने के लिए स्केलिंग और वैक्सीन बनाने की क्षमता बढ़ाने में निवेश करना होगा। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन का एक लिमिटेड हिस्सा ही निजी अस्पतालों में 600 रूपए प्रति खुराक पर बेचा जाएगा। सरकार 1 मई से वैक्सीनेशन के नए चरण की शुरुआत कर रही है। इस चरण में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को जिस तरह से वैक्सीन लगाई जा रही है वो जारी रहेगी, यानी सरकारी सेंटर्स में उनके लिए वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध रहेगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दिल्ली टॉक। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।